हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे वन हेल्थ कंसोर्टियम के बारे में। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने वन हेल्थ कंसोर्टियम इसको लॉन्च किया है यहाँ पे। तो मेनली वन हेल्थ कंसोर्टियम है क्या, इसकी मेन सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इसको कैसे यूज किया जाएगा, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ यहाँ पे जूनोटिक डिजीज जो है क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी, नीचे वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 14 अक्टूबर 2021 डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने वन हेल्थ कंसोर्टियम इसको वर्चुअली लॉन्च किया है। तो कंसोर्टियम इसका मीनिंग है कि संघ, एक परिवार, एक जो ग्रुप। तो मेनली देखिए यहां पे इसका मकसद क्या है कि ये वन हेल्थ कंसोर्टियम अलग अलग तरीके से जो वायरल डिजीजेस होती है, बैक्टीरियल डिजीजेस होती है, या फिर जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन होती है उसको सर्विलियंस करेगी। और उसके अलावा जो जूनोटिक डिजीज है, ये जूनोटिक डिजीज क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे में हम। और जो ट्रांस बाउंड्री पैथोजेंस, यानी कि जो अलग देशों से बाउंड्री क्रॉस करके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग बीमारी फैलाती है, इस कॉन्सेप्ट को हम ट्रांस बाउंड्री पैथोजन बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन भारत में होती क्यों है और क्या क्या यहाँ पे प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, उसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा। तो मेनली देखें, इस प्रोजेक्ट के अनुसार जो भी अलग अलग एग्जिस्टिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट है, यानी कि हम लोग को बहुत पता भी नहीं होती है कि कितनी सारी ऐसी बीमारी फैलती होती है यहाँ पे, उसके बारे में पता नहीं होता है, लेकिन उसके बारे में जो एग्जिस्टिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट उसको लेना पड़ेगा। और उसके साथ एडिशनल मेथोडोलॉजी जो है उसको भी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, उसके साथ यहाँ पे अलग अलग टाइप के सर्विलियंस, ताकि एक्स्ट्रा ऐसे चीजें जो अभी फिलहाल होती आ रही है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे थर्ड वेव या उस टाइम में अलग अलग वेरिएंट्स जो है बहुत ही तबाही मचा सकती है, उसके ऊपर भी यहाँ पे काम किया जाएगा। तो वन हेल्थ कंसोर्टियम इसमें ये कहा गया है कि 27 ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे कंसिस्टेड है, और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद इसको लीड करेगी। तो थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस भी हम जान लेते हैं। तो एक चीज देखिए, डेफिनेटली बायो टेक अपने एनवायरमेंटल साइंस में एक चीज पढ़ा होगा, इकोसिस्टम। तो यहाँ पे इकोसिस्टम मतलब क्या है कि हम जो इंसान जो है, इंसान जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे एनिमल्स भी होती है, यहाँ पे एनवायरमेंट भी होती है, ये सब जो होती है एक इकोसिस्टम बनाती है हमारी। तो इन सब जो है एक दूसरे के साथ हम लोग कनेक्टेड है। तो अगर कल को कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो गया तो उसका इफेक्ट इंसानों को भी भुगतना पड़ेगा, जानवर को भी भुगतना पड़ेगा। अगर जानवर को जो है अलग अलग तरीके से बहुत लार्ज क्वांटिटी में कुछ बीमारी होने लगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इंसानों को भी भुगतना पड़ेगा, एनिमल एनवायरनमेंट को भी भुगतना पड़ेगा। और इंसानों की तो प्रायोरिटी आप जानते ही है। तो ये सब जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो वन हेल्थ अप्रोच एक्चुअली में क्या है कि एक ऐसा कोलाबोरेटिव एफर्ट जहाँ पे मल्टीपल डिसिप्लिन्स, तो मल्टीपल डिसिप्लिन्स यहाँ पे अलग अलग टाइप के हो जाती है, जो एनवायरमेंटल सोसाइटीज होती है, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हो गए, यहाँ पे डॉक्टर्स हो गए, जो वेटरनरी डॉक्टर्स हो गए, यहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज डिजाइन करने वाले लोग हो गए रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री वेलफेयर, सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड होती है। तो उसके लिए एक जगह पे लोकली, नेशनली या फिर ग्लोबली भी यहाँ पे सोचा जाता है, ताकि जो भी इंसान, जानवर और एनवायरमेंट है उसकी ऑप्टिमल हेल्थ को इंक्रीज किया जा सके, यानी कि कोई भी इसमें इस तरीके से बीमार ना पड़े या उनकी हेल्थ खराब ना हो, ताकि लार्ज क्वांटिटी में उसका इफेक्ट देखने को मिल सके। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखेंगे आप कोविड-19 पेंडेमिक, तो ये कोविड-19 पेंडेमिक एक्चुअली में क्या हुआ कि ऐसा ही एक यहाँ पे जूनोटिक डिजीज, यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ट्रांस बाउंड्री अलग देशों में पैदा होके पूरी दुनिया में आ गई और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तबाह करके चली गई, जहां से आज भी उभर नहीं पा रहे। और अगर आप न्यूज भी देखते होंगे तो ये जो है वेव खत्म होने के नाम नहीं ले रही है, कब खत्म होगा ये भी पता नहीं है। तो छोटी छोटी चीजों से कितनी ज्यादा तबाही हो सकती है, इसके बारे में भी हम
खुद महसूस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे अप्रोचेस लेने पड़ेंगे यहाँ पे, ताकि ऐसे चीजें जो है हेल्थ ऑफ द ह्यूमन एनिमल और वाइल्ड लाइफ जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मिनिमाइज किया जा सके। और अगर फ्यूचर में ऐसे कुछ पेंडेमिक्स पहले भी अगर देखेंगे अलग अलग टाइम में अलग अलग सेंचुरीज में ऐसे डिजीज जो है प्लेग हो गई, ऐसे डिजीज ने काफी पेंडेमिक्स क्रिएट किए थे, तो उसको खत्म करके उससे जो आने वाली डिजास्टर को रोका जा सके उसके लिए भी यहाँ पे काम करना होगा। तो थोड़ा सा अगर हम लोग जूनोटिस डिजीज के बारे में समझ लेते हैं, तो जूनोटिक अगर नाम से देखेंगे जूलॉजी के बारे में आप लोग डेफिनेटली जानते हैं, बायोलॉजी का वह पार्ट जहां पे एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया जाता है यहाँ पे, तो जूनोटिक वही है। तो यहाँ पे जूनोसिस जो एक वर्ड है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था रुडोल्फ विर्चो ने 1880 में, और यहाँ पे कहा गया था कि वो डिजीज जो नेचर में ह्यूमन बींग और एनिमल्स में ट्रांसमिट होती है उसको जूनोटिस डिजीज उन्होंने बोला था। बाद में WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1959 में जूनोसिस को यहाँ पे बोला गया था वो डिजीजेस या फिर इन्फेक्शन जो नेचुरली ट्रांसमिटेड होते हैं वर्टिब्रेट एनिमल्स और इंसानों के बीच में। तो इसमें नॉट ओनली वर्टिब्रेट्स, यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, या फिर जो अनकन्वेंशनल एजेंट्स के थ्रू अगर कुछ ट्रांसमिशन होकर बीमारी फैले तो उसको भी जूनोटिक डिजीज बोल सकते हैं। तो देखिए ऐसे लाइंस जो है बहुत ही पंचिंग लाइन है, ऐसे लाइंस में से आपको कभी कभी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, या फिर मेंस में भी अगर ऐसे लाइंस आप लिखेंगे डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। तो जूनोटिक डिजीज जो है यहाँ पे इसके वजह से काफी कुछ चीजें प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है कि एक कंट्री अगर सपोज मान लीजिए कि उन लोग के पास वो कंट्री बहुत ज्यादा मीट प्रोड्यूस करती है और उन लोग की कंट्री में जो मीट प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट से उन लोग काफी पैसा कमाते हैं, तो जूनोटिक डिजीज की प्रॉब्लम से क्या होती है उसके ऊपर इफेक्ट होती है। उन लोग क्या होता है कि एक तो लोकली उस फीड की कंजम्पशन पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर उन लोग उसको एक्सपोर्ट करना चाहेंगे उसके ऊपर भी एक रेस्ट्रिक्शन जैसे आएंगे, कुछ यहाँ पे कंडीशंस आएंगी कि उसके टेस्टिंग होनी पड़ेगी, उसको प्रिजर्व करके भेजना पड़ेगा, तो काफी ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स में भी आती है। यहाँ पे चाहे आप मिल्क भेजे जो या फिर मिल्क से बनाए हुए प्रोडक्ट्स भी भेजे तो उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो यहाँ पे सब कुछ देख के यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से यहाँ पे काम करना होगा, क्योंकि एक चीज देखिए यहाँ पे कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें होती है जहां पे हम गौर नहीं करते हैं लेकिन वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए काफी होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज डिजाइन करके उसको लोकली नेशनली और इंटरनेशनली भी यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत होती है। तो इसी हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने वन हेल्थ कंसोर्टियम इसको रिसेंटली लॉन्च किया है। तो आशा करते हैं इस टॉपिक से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्डवर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, एंजॉय योर संडे, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।